हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अमृत सुधास यूट्यूब चैनल। सबसे खास सबसे मीठा से कहानी। तो आज बात करते हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ होता है, तो आपको पता है कि हमेशा हम लोग स्टूडेंट अगर लाइफ अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो बाकी लाइफ आप खुश मिजाज में रहते हो। तो इसीलिए आप स्टूडेंट लाइफ में इतना क्या गलती करते हो, आप गलती करते हो डिसीजन लेने में। सही डिसीजन क्या होता है और रॉन्ग डिसीजन क्या होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप अमृत सुधा चैनल यानी कि ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग डिसीजन कैसे लेनी चाहिए और डिसीजन लेने के बाद क्या काम करनी चाहिए। तो इसीलिए आज का टॉपिक है अंडरस्टूड हाउ टू टेक ए क्विक डिसीजन। यानी कि अगर आपको एक लाइफ में कुछ सक्सेस पानी है या कि लाइफ में कुछ गोल को चूज करें तो सही तरीके से क्विक डिसीजन लेने, क्योंकि क्विक डिसीजन हमेशा क्या होता है, बेहतर रहता है। और इसके साथ डिसीजन लेने के बाद क्या करना है एंड व्हाट टू डू, हम लोग क्या करनी चाहिए और क्या कैसे करने से हम लोग का जो डिसीजन है सही डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है सही मुकाबला करना है। तो फिलहाल क्या करते हैं, बिना डरे हम लोग क्या करते हैं वीडियो वाला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट होता है डिसीजन लेने की। तो पहला होता है कीप योर ऑप्शंस इन लिमिट। कीप योर ऑप्शंस इन लिमिट यानी कि आपके जो गोल को अचीव करने के लिए आपके गोल को जो अचीव करने जो लिमिटेशन है ना उसको छोटा करना है। जितना ऑप्शंस होगा उतना आप कंफ्यूजमेंट पड़ सकते हो और कंफ्यूजन जब पड़ोगे तभी आप डिसीजन लेना यानी कि राइट डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कहते हैं आपकी ऑप्शंस ओके क्या करना है, कम करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेना, तो मान लीजिए मेरा एक गोल है कि मैं टीचर कैसे बनूं, हाउ टू बिकम ए टीचर। अगर आपकी गोल है कि टीचर कैसे बनूं तो क्या मैं प्राइमरी टीचर बनूं, क्या मैं हाई स्कूल की टीचर बनूं, कॉलेज की लेक्चर बनूं या मैं यूनिवर्सिटी की बनूं, तो इतने सारे लिमिट्स ऑप्शन होगी तो भी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, सही तरीके से एक ही चीज, मुझे टीचर बननी है तो पहले क्या ना उसके लिए आपको काम करनी पड़ेगी यानी कि आपको डिफिकल्ट यानी हार्डवर्किंग करनी पड़ेगी कि हाउ टू बिकम ए गुड टीचर, नॉट ए सैलरी बिकम टीचर। यानी कि पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन अच्छे तरीके से नेक काम करने से कितने पैसे मिलते हैं ये आपको, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, हमेशा गढ़ की दुआ भी मिलेगा। नेक्स्ट मीन्स अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट योर आर्ट्स एंड वैल्यू टू योर लाइफ। अगर आप डिसीजन लेते हो तो भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन मैंने लिया हूँ और डिसीजन लेने वाला हूँ क्विक डिसीजन, ये क्या मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकती है, क्या मेरे लाइफ में इतना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्या डिसीजन लेने के वक्त वो हमेशा दूसरों से पूछते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा करने से अच्छा होती है बुरा होती है। लेकिन अगर आप खुद को पहचानोगे और खुद के लिए डिसीजन लोगे तभी आपका डिसीजन सही होगा। इसीलिए आपको दिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपने जो डिसीजन लिए हैं वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है या नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट, यानी कि जब डिसीजन लेनी पड़ती है तो आपके उसी टाइम पे क्या आप चाहते हो। मान लीजिए टेंथ के बाद एग्जाम्पल लेता हूँ, टेंथ के बाद आपको प्लस टू करने है, प्लस टू में आप कौन सी सब्जेक्ट में सही तरीके से नंबर ला सकते हो या अच्छे नंबर ला सकते हो, तो आपके नंबर के हिसाब से आप ही चूज कर लो, आपको आर्ट्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है या कॉमर्स पढ़नी है। नहीं तो आप उनका बात मानोगे तभी आप कन्फ्यूजमेंट पड़ सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है ना, आपको पहचानना है, आपके इननेट क्वालिटी को पहचानना है, इसके साथ साथ काम करोगे तभी आप सक्सेस पा सकते हो। नेक्स्ट वन इज बिल्ड योर फ्यूचर बाय लुकिंग एट योर पास्ट। जैसे कि आपको पता है सूर्य जब हम लोग का उदित होता है यानी कि राइज होता है सुबह होता है, तो जो अमीर आदमी उसके लिए भी 24 आवर, जो गरीब आदमी उसमें भी 24 घंटे ही एक दिन के लिए होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पहले बताया था, मान लीजिए आपके पास 86,400 रुपीज है, अगर किसी ने भी 10 रुपीज आपसे चुरा के ले गए, क्या आप 86,390 रुपीज को गवा देंगे? नहीं, पैसा का मामला, अरे बाबा
पैसा का भी नहीं, लेकिन इसीलिए आप जब सुबह उठते हो तो आपके पास 86,400 सेकंड होता है। लेकिन शुरुआत में दिन में अगर आपको कोई ने आपको दिक्कत पहुंचाया या कोई भी सैडनेस की न्यूज पहुंच तो आपके गए 10 सेकंड चले गए, लेकिन आप उसी 10 सेकंड के लिए 86,390 सेकंड को बर्बाद कर देते हो। इसीलिए आगे बढ़ना है तो पीछे करके देखो मैं कैसे था, क्यों था, और जब था इसी सिचुएशन में मैंने क्या डिसीजन लिए थे। जैसे आपको पता है कि हमारे महान संगीत का लता मंगेशकर के पिता, जब वो लता मंगेशकर चौथी क्लास में पढ़े थे तभी उनकी पिता का देहांत हो गया, तभी उन्होंने सोचा था कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है मेरी फैमिली की, और उसके साथ साथ उन्होंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसके, लेकिन गाना नहीं छोड़ा है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके फ्यूचर को अगर सही तरीके से करना है तो पास्ट को देखना है कि मैंने पास्ट में ये वाली गलती की थी इसीलिए मैंने एग्जाम में फेल हुआ था। पास्ट में ऐसे क्या, तो पास्ट को देख कर आपको फ्यूचर की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। तो नंबर 5, गेट एडवाइस फ्रॉम पीपल हु अंडरस्टैंडिंग यू, आपके सही आपको सही तरीके से समझते हैं उसके साथ बातचीत करो और इसके बाद आपको डिसीजन लेने है। बातचीत करना है लेकिन सही समय पर ही लेनी है, और उन जो आपकी बड़ी होती है, जो आपकी पापा मम्मी होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, भैया होते हैं, बहन होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ खुद की डिसीजन सही डिसीजन होती है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, लवर हो, लवली, जो भी हो, लेकिन सबसे यूनिक डिसीजन इज योर इनिट क्वालिटी। नंबर 6, ऑलवेज डू प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ये तो पहले ही होता है, प्लानिंग नहीं करनी तो फ्यूचर ब्रस्ट, लेकिन प्लानिंग सही तरीके से होगा तभी डिसीजन भी सही तरीके से होगा। इसके साथ साथ आपके लक्ष्य, आपकी गोल, आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस हर तरीके से हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करनी है, आपकी डिसीजन लेने वक्त आपको सही तरीके से प्लानिंग करनी है, मुझे ए वाले गोल को अचीव करना है तो सब पॉइंट ऑफ गोल को अचीव करते करते आपको क्या करना है, बड़े वाले गोल की तरफ जंप करने, छलान लगाओगे, फिर से बोला छलान लगाओगे तभी जिंदगी पा सकते हो, छलान नहीं लगाओगे आप पीछे रह जाएंगे और आपके ऊपर कहीं आगे जाने जाएगा, और वो आगे वाला जाना व्यक्ति यानी मानव यानी फ्रेंड आपकी फ्रेंड हो सकती है। इसीलिए आपको डिसीजन लेनी है सही तरीके से, काम करनी है हार्डवर्किंग से, तभी पता चलेगा कि सक्सेस का राज क्या होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या अच्छी नहीं लगी, ओके, क्या अच्छी नहीं लगी आप बोलना है, और आपको सही तरीके से डिसीजन लेना। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है इस अमृत सुधास यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।